जब दुनिया में हम अकेले आते और जाते हैं तो इन रिश्तों का ये बोझ क्यों? हर शख्स अपनी ही चलाता है, हम पर उनका ये रोक क्यों? ख्वाहिशें अक्सर दम घोट देती है, पग पग पर कुर्बान हर अरमान क्यों? जिंदगी हमारी होके भी हमारी नहीं, जताता हम पर हर शख्स एहसान क्यों? यहाँ खुल के बोलना भी गुनाह है, ऐसा क्रूर हम पे ये अपराध क्यों? प्यार के बदले यहाँ प्यार नहीं, देते नफरत को सम्मान क्यों? हर शख्स को यहाँ नीचे गिराना, ऐसे ऊंचे संस्कार क्यों? जियो और जीने दो कहते सब यहाँ, फिर तोड़ते पौधों से फूल क्यों? सोच हमेशा खुद की सही लगती, दिखती दूसरों में भूल क्यों? जब दुनिया में हम अकेले आते और जाते तो रिश्तों का ये बोझ क्यों? हर शख्स अपनी ही चलाता है, हम पर उनका ये रोक क्यों? हम पर उनका ये रोक क्यों? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल परेश जैन में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी आज की ये कविता बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, आज की कविता खास तौर पे मैंने रिश्तों के ऊपर लिखी है। आज की इस दुनिया में हम अक्सर यही करते हैं कि हम हमेशा हमारे सामने वाले व्यक्ति से बदलाव पसंद करते हैं, हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। हम अक्सर अपनी सोच को सामने वाले व्यक्ति पे थोप देते हैं और हमें लगता है कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला व्यक्ति गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत है। दोस्तों, रिश्तों को अगर खुद की तरह से मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन अगर रिश्तों के लिए खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो कोई भी रिश्ता एक अटूट बंधन में जुड़ जाएगा। मैं ही सही हूं, आप गलत हो, मैं जैसा चाहता हूं आप वैसा ही करो, या कोई पुरानी परंपरा है उसे आप जिंदगी भर तक निभाते रहो, ऐसी जबरदस्ती किसी के साथ भी करना मैं समझता हूं कि एक अपराध है। किसी भी प्रकार के रिश्ते में, चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो कि प्यार हो, आपको उस रिश्ते में बोलने की आजादी मिलनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप उस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी डालोगे, जितनी ज्यादा आप ईमानदारी से उस रिश्ते को निभाओगे, उतना ही वो रिश्ता उस छोटे से पौधे की तरह धीमे धीमे बड़ा होगा और आगे जाके एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि जियो और जीने दो, लेकिन वास्तविक जिंदगी में हम ऐसा कभी नहीं करते। हम उस एक छोटे से फूल को भी उस पौधे के ऊपर नहीं रहने देते, हम उस फूल की मर्जी के खिलाफ उसे तोड़कर घर ले आते हैं या फिर मंदिर में जाके भगवान पे चढ़ा देते हैं। हमने कभी उस फूल की मर्जी नहीं पूछी कि क्या वो मंदिर में भगवान पे चढ़ने के लिए तैयार है। फूल की मर्जी तो हमेशा यही होगी कि उस पौधे पर वो लगा रहे, उसकी खूबसूरती वहीं पर है, उसकी जिंदगी वहीं पर है। उसी तरह रिश्तों में भी हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रिश्ते को नहीं चलाना चाहिए, हमें सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए ताकि हम रिश्ते को और अच्छा और खूबसूरत और जानदार और खुशबूदार बना सके। धन्यवाद दोस्तों, आपको आज की मेरी कविता पसंद आए, मेरे विचार अगर पसंद आए तो मेरी इस कविता को लाइक करना, इसे शेयर करना और मेरे इस YouTube चैनल परेश जैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।